नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट कैसे डाउन ट्रेंड के लिए चला जाता है और कब क्रैश होने लगता है, ठीक है ना। और जैसे ही मतलब डाउन होता है, लोग तो सर्च करना स्टार्ट करते हैं मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश, मार्केट क्यों नीचे जा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मार्केट अब जाता है तो डाउन तो जाएगा ही, फिर तो हमें प्रॉफिट बनेगा ना, फिर से हम एंट्री करेंगे। तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो आप दोनों तरह साइड से प्रॉफिट बना सकते हो। आप सिंपल सा कोई भी अगर आप क्रिप्टो एक पकड़ करके रख लेते हो ना, कोई भी, या तो उसमें क्या होगा, अप ट्रेंड के लिए जाएगा या डाउन ट्रेंड के लिए जाएगा। अप ट्रेंड के लिए जाता है तो आप अप ट्रेंड में बन जाओ, और डाउन ट्रेंड के लिए आता है तो आप डाउन ट्रेंड के लिए बन जाओ। तो डाउन ट्रेडिंग में भी आप ट्रेड कर सकते हो ना। जैसे बाइनेंस पे आपका शॉर्ट सेलिंग का फीचर्स अवेलेबल है, तो आप बाइनेंस पे शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको मालूम भी होगा जब डाउन ट्रेंड जाता है तो डाउन ट्रेंड फास्ट होता है, ठीक है ना, रेदर देन बुलिश ट्रेंड, ठीक है ना। बुलिश ट्रेंड जितना टाइम लेता है ना अप ट्रेंड जाने में, उससे कम टाइम लेता है डाउन ट्रेंड जाने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आप डाउन ट्रेंडिंग का भी अच्छा खासा फायदा यहाँ से उठा सकते हो। सपोज जैसे हम लोग AUD USDT का देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियरली हमें दिख रहा था यहाँ पे ट्रेंड, यहाँ पे जैसे डबल टॉप बना रहा था, ठीक है ना, ये डबल टॉप बना रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली हमारा यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस दे रहा है, कंटिन्यूअसली पहले से ही बियरिश डाइवर्जेंस देना स्टार्ट कर दिया। ये सब सिग्नल पहले से ही बन रहे हैं। और हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन पॉइंट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग सिग्नल, फर्स्ट सेलिंग सिग्नल हमें यहीं पे मिल गया, फिर से यहाँ पे बाइंग हुआ, लेकिन सेकंड सेलिंग सिग्नल यहीं पे बन गया, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड के लिए मूव कर गया। अब कोई सा भी उठा करके देख लो ना, सब में आपको ट्रेंड मिल जाएगा। यहाँ पर देखो सेलिंग सिग्नल यहाँ पर बन गया था, उसके बाद हमें ये सेलिंग सिग्नल यहाँ पर देखने को मिल गया। अचानक से तो कुछ भी होता नहीं है ना। अब देखो जैसे इसी ट्रेंड के लिए देखो, जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ पर हमारा क्या हुआ, बेसिस डाइवर्जेंस बना है ना। यहाँ पे यहाँ से इस रेंज के लिए हमारा बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, देख लो। जैसे इस रेंज के लिए यहाँ से आते तो यहाँ से बुलिश डाइवर्जेंस हुआ था, यहाँ सॉरी बुलिश बोल रहा हूँ, यहाँ पे से कंटिन्यूसली बुलिश, ये भी बुलिश हुआ था, सही है। लेकिन यहाँ से जब मूव किया इस रेंज से इस रेंज के लिए तो यहाँ पे बेसिस डाइवर्जेंस दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा नेगेटिव सिग्नल कन्फर्म भी हो गया, वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए मूव कर गया। अब BTC का ही देख लो आप, यहीं पे देखो सेल सिग्नल यहाँ पे एक्जैक्टली टॉप पे हमारा देना स्टार्ट कर दिया था, और वहाँ से कंटिन्यूसली हमारा प्रो ट्रेडिंग आर्ट होस्टेड है जो असिस्टेंट वाला है, ये भी हमारा सेल सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया था और कंटिन्यूसली सेलिंग के साइड में चला गया। सिर्फ 4 आवर्स का बता रहा हूँ आपको। कोई भी ऐसा आप कोई भी इंडिकेटर सर्च कर लोगे ना, यहाँ पे ढेर सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी सर्च कर लोगे सब में आपको सेल सिग्नल मिल जाएगा। अब इसका वीडियो भी मैं बना करके बता दिया था, इससे ब्रेकडाउन करता है तो डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो वही चीज़ हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन करके इस रेंज को और डाउन ट्रेंड पर चला जाएगा। तो आप ये सब पहले से प्रेडिक्ट करके रख सकते हो, नो डाउट। कोई टेक्निकल एनालिसिस इतना हार्ड काम नहीं है, अगर आप अच्छे से उस पर कमांड कर लेते हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए COCUSDT में भी देख लेते हैं, इसमें भी देखो आपको सेल सिग्नल यहीं पर मिल गया था, है ना। और यहाँ पर भी देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा क्या बेस डाइवर्जेंस बन रहा था, यहाँ से इस रेंज के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, और वहीं पर यहाँ से इधर आ जा भाई, यहाँ से इस रेंज के लिए बेसिस डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था हमें, ठीक है ना। और भी पॉइंट आप देखो, इनसाइडर का एंट्री में हमेशा बोलता हूँ कभी भी इग्नोर नहीं करना है। देखो कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम है, आप इतना वॉल्यूम तो यहाँ दूर दूर तक यहाँ पे हुआ करता था, उसके बाद इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम आया। और किस तरह का वॉल्यूम है ये, वो परफेक्ट शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है। इसका मतलब क्या, टॉप पे वहाँ पे सेलिंग हुआ और उसके बाद कुछ कैंडल आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आए, यहाँ पर आपके बड़ी नेज का वॉल्यूम ही सपोर्ट नहीं दे रहा है इस ट्रेंड को मूव करने के लिए। तो अगर मैं कई बार बता चुका हूँ वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस किस तरह से करते हैं, अगर आप उसका यूज़ करते हो फिर भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। और उसके बाद हमारा सेलिंग सिग्नल कन्फर्म भी हो गया और तब से ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो सब में जब हमें सेल सिग्नल मिल ही रहे हैं, उसी तरह से बाय सिग्नल मिलता है तो हम बाय साइड के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं। उस समय तो कोई भी आप नहीं बोलते हो कि बाय मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है, लेकिन डाउन जाने के लिए सभी लोग बोलते हैं मार्केट क्यों नीचे जा रहा है। तो आप उन चीज़ों का, उन सभी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ और दोनों साइड में प्रॉफिटेबल रहो। कोई भी एक क्रिप्टो पकड़ करके रख सकते हो ना, तो उसमें भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, ठीक है ना। तो आप दोनों साइड में ट्रेड करो ना, ठीक है ना। आप उस तरह से भी कर सकते हो, उसे हेजिंग के लिए भी आप इस चीज़ को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आप मान लो यहाँ पे आपका टॉप पे चला गया, टॉप पे चला गया और यहाँ पे टॉप पे आ गया, आपका इनसाइडर का एंट्री यहाँ पे बता रहा है कि नेगेटिव सिग्नल है, तो आप इस ट्रेड में जो हो उसे क्लोज करने से पहले आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी करके रख सकते हो। कम से कम आपका ये तो फिक्स हो जाएगा, इतना प्रॉफिट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो उन तरह से भी इसे फ़ायदा में आप ले सकते हो, यहाँ से फ़ायदा ले सकते हो। उसके बाद देखिए DGB का देख लीजिए, DGB में भी हमें क्लियरली यहाँ पे यहीं पर सेलिंग सिग्नल देखने को मिल गया था। इन सभी को डिलीट कर देता हूँ मैं, यहीं पर हमारा सेलिंग सिग्नल देखने को मिल गया था, है ना। और ये भी यहाँ पे सेलिंग सिग्नल दे दिया, तब से ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। और उन सभी को अगर हम लोग साइड कर दें तो सबसे हमारा मेन पॉइंट है इनसाइडर का एंट्री। तो इनसाइडर का एंट्री देखो यहाँ पे कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम आया, है ना। यहाँ पे भी वॉल्यूम आया और यहाँ पे भी ज़बरदस्त। जब इतनी ज़बरदस्त वॉल्यूम आ रहे हैं तो भैया टॉप पर यहाँ पे इस साइड क्यों बन रहा है, सिंपल सी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है, टॉप पे इनसाइडर लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी सेलिंग करके निकल जाना था और यहाँ पे कंफर्मेशन पॉइंट भी हो गया था। उसके बाद यहाँ से मार्केट साइड में जो गया और फाइनली हमारा कंफर्मेशन पॉइंट भी आ गया। तो सिंपल से अब कहने का मतलब है कि आप दोनों साइड में ट्रेड करो, जिस एप्लीकेशन के ऊपर इस तरह का फीचर से आप उसका फ़ायदा उठाओ और वहाँ से दोनों साइड में बने रह सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको इस वीडियो में कोई ना कोई नॉलेजेबल जानकारी मिला है। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे विजिट करके देखिएगा। मैंने एक से एक वीडियो बना करके दिया है आप लोगों के लिए और पाइन स्क्रिप्ट का सीरीज ऑलरेडी चल रहा है। तो आपको अगर कंटेंट वैल्यूबल लगता है, अच्छा लगता है, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।